हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड इवनिंग। आज मैं आपके लिए साइंस का टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आपके एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फॉरेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, -40 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीग्रेड और फॉरेनहाइट पैमाने का मान समान होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 3 नंबर, डॉक्टर सी वी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो डॉक्टर सी वी रमन को भौतिक शास्त्र के लिए 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब सम्मानित किया गया था? 1930 ईस्वी को भौतिक शास्त्र के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 4 नंबर सवाल। ठीक है, 4 नंबर सवाल है, किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट है 5 नंबर, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 6 नंबर, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट है 7 नंबर, यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसीलिए यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए 8 नंबर सवाल है, 1 किलोवाट घंटा कितने यूनिट के बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होता है। कितने यूनिट के बराबर होता है? 1 यूनिट के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, नेक्स्ट है 9 नंबर, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। क्या है? कैल्शियम सल्फेट जिप्सम का रासायनिक नाम है। ठीक है, देखिए जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O। क्या होता है? CaSO4 2H2O जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट है 10 नंबर, आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। ठीक है, नेक्स्ट है 11 नंबर, निकट दृष्टि दोष का सुधार किस लेंस के द्वारा किया जा सकता है? तो निकट दृष्टि दोष का सुधार अवतल लेंस के द्वारा किया जा सकता है। किस लेंस के द्वारा किया जा सकता है? अवतल लेंस के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर सवाल। ठीक है, 12 नंबर सवाल है, शरीर में किसके अधिक होने के कारण दिल का दौरा पड़ता है? तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल अधिक होने के कारण दिल का दौरा पड़ता है। किसके अधिक होने के कारण? तो कोलेस्ट्रॉल अधिक होने के कारण दिल का दौरा पड़ता है। नेक्स्ट है 13 नंबर, गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो गोबर गैस प्लांट में मीथेन गैस उत्पन्न होती है। कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मीथेन। और मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4। ठीक है, नेक्स्ट है 14 नंबर, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी JJ थॉम्सन ने। किसने की थी? JJ थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट है 15 नंबर, मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? तो मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन 0.5 डेसिबल शोर होता है। कितना शोर होता है? 0.5 डेसिबल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर सवाल। ठीक है, 16 नंबर सवाल है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन का संकेत H होता है और इसका परमाणु संख्या 1 होती है, यानी कि एटॉमिक नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है 17 नंबर, प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। किसका ऑक्सीकरण होता है? जल का। ठीक है, और जल का रासायनिक सूत्र होता है, आपको पता ही होगा, H2O। ठीक है, नेक्स्ट है 18 नंबर, एक्सरे का खोज किसने किया था? तो एक्सरे का खोज किया था रॉन्टजेन ने। किसने किया था? रॉन्टजेन ने एक्सरे का खोज किया था। नेक्स्ट है 19 नंबर, नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर क्या ज्ञात करता है? तो नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर हृदय की धड़कन ज्ञात करता है। क्या ज्ञात करता है? हृदय की धड़कन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर सवाल। ठीक है, 20 नंबर सवाल है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। कितनी बार सांस लेता है? 16 से 18 बार। नेक्स्ट है 21 नंबर, किससे एक्स किरणें पार नहीं कर सकती? तो अस्थि को, यानी हड्डी को जो है एक्स किरणें पार नहीं कर सकती है। ठीक है ना, नेक्स्ट है 22 नंबर,
लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट है 23 नंबर, पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में कैसे परिवर्तित करता है? तो पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में श्वसन क्रिया द्वारा परिवर्तित करता है। किसके द्वारा? श्वसन क्रिया द्वारा पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़े यानी कि 46 होती है। कितनी होती है? और आपको जोड़ा में पूछे तो 23 जोड़े, अगर सिंपल मुझ पूछे तो 46, यानी कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46। ठीक है, नेक्स्ट है 25 नंबर, चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो चांदी का रासायनिक प्रतीक है Ag। क्या है? और सोना का अगर पूछे तो Au। ठीक है ना। नेक्स्ट है 26 नंबर, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए इथिलीन का उपयोग लाया जाता है। किसका लाया जाता है? इथिलीन का। ठीक है, नेक्स्ट है 27 नंबर, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर सवाल। 28 नंबर सवाल है, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड हवा में ध्वनि का वेग होता है। नेक्स्ट है 29 नंबर, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 30 नंबर, मानव शरीर का कौन सा स्थान सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो मानव शरीर का यकृत वाला जो स्थान है, यकृत, ठीक है, वो सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है 31 नंबर, जितनी ऊंची आवाज़ होगी उतनी ही ऊंची क्या होगी? तो आवृत्ति। ठीक है, यानी कि जितनी ऊंची आवाज़ होगी उतनी ही ऊंची आवृत्ति होगी। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर, 32 नंबर सवाल है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट है 33 नंबर, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है? तो मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। कितनी बार धड़कती है? 72 बार। ठीक है, नेक्स्ट है 34 नंबर, किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो कैंसर के इलाज में। ठीक है, कैंसर के इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 35 नंबर, मानव नेत्र की दूरदृष्टि को क्या कहा जाता है? तो मानव नेत्र की दूरदृष्टि को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानव नेत्र की दूरदृष्टि को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर, अक्रिय गैस कितने होते हैं? तो अक्रिय गैस 6 होते हैं। ठीक है, कौन कौन? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन। ठीक है, हीलियम HE, हीलियम नियॉन NE, हेलियम नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, ठीक है, RD और XE एक जेनॉन। ठीक है, कितने होते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन। अक्रिय गैस 6 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर, 37 नंबर है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। कौन क्या है? आंवला विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। नेक्स्ट है 38 नंबर, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी हड्डी होती है? तो शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। कौन सी हड्डी होती है? जबड़े की हड्डी शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। नेक्स्ट है 39 नंबर, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना दिन होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। कितना दिन होता है? 120 दिन। अगर आपसे पूछे श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल, तो 2 से 4 दिन। ठीक है ना। नेक्स्ट है 40 नंबर, पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? तो पित्त यकृत में उत्पन्न होता है। कहाँ उत्पन्न होता है? पित्त जो है यकृत में उत्पन्न होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है 41 नंबर, 41 नंबर सवाल है, रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही है। सर्वदाता O है, ठीक है, और सर्वग्राही AB। ठीक है ना, यानी कि सर्वदाता जो O है वो सभी को रक्त दे सकता है, सभी को डोनेट कर सकता है अपना ब्लड, और AB जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो सर्वग्राही होते हैं, सिर्फ ब्लड को ग्रहण करते हैं, देते नहीं हैं। ठीक है ना, इसीलिए O को सर्वदाता कहा जाता है और AB को सर्वग्राही। ठीक है ना। नेक्स्ट है 42 नंबर, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है। क्या होती है? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है।
नेक्स्ट है 43 नंबर, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। नेक्स्ट है 44 नंबर, ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है? तो ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग आँख से संबंधित है। किससे संबंधित है? आँख से। ठीक है, नेक्स्ट है 45 नंबर, 45 नंबर सवाल है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है 46 नंबर, हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो हड्डियों में मुख्यतः कैल्शियम एवं फॉस्फेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हड्डियों में मुख्यतः कैल्शियम और फॉस्फेट पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 47 नंबर, रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है रक्त कणिकाओं का निर्माण। नेक्स्ट है 48 नंबर, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर सवाल। ठीक है, 49 नंबर सवाल है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है? तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। क्या है? टाइलिन लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। ठीक है, नेक्स्ट है 50 नंबर, जठर रस में क्या पाया जाता है? तो जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो HCl। ठीक है, चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।